हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और अभी सुबह के 4 बज रहे हैं और अचानक से भी पता चला कि हम लोग जो है आगरा जा रहे हैं। तो बस अभी नहा धो के रेडी हो जाते हैं और आपको दिखाते हैं। दोस्तों, अभी हम सब रेडी हो चुके हैं और यहाँ से निकलने की तैयारी हो रही है। आपको बता दें कि रायबरेली से जो डिस्टेंस है आगरा की, वो करीबन 401 किलोमीटर है। और आपको मैं दिखाता हूँ। और दोस्तों, ये हमारी कार है और तो गाइस, अभी हम लोग निकल रहे हैं। देखिए, ये गोल चौराहा है यहाँ पे सारा होटल। अब यहाँ से जो डिस्टेंस है वो 401 किलोमीटर है गाइस, काफी दूर है। और अभी 5:30 बज चुके हैं, निकलते निकलते काफी देर हो गई थी। तो ये मान के चलिए कि हम लोग जो है अगर 10 या 11 बजे तक पहुंचेंगे। लोग जो है आगरा एक्सप्रेसवे पे हैं और ये देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है और इसकी डिस्टेंस जो है 300 किलोमीटर है लखनऊ से आगरा की। आपको दिखाते हैं, ये देखें। और अभी हम यहाँ पे आधा सफर आ चुके हैं और यहाँ पर नाश्ता करने के लिए रुके हैं। और ये मेरे पीछे जैसे आप देख पा रहे होंगे, ये तो ये फूड कोर्ट है राही फैमिली कैफे करके कुछ। देन यहाँ पे भी आगे एक फूड कोर्ट है, तो अभी वहां चलते हैं, देखते हैं क्या मिलता है यहाँ पे। और यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, इस वजह से मैंने जैकेट पहन ली है। और अब यहाँ पे फूड कोर्ट में आ गए हैं, ये देखिए राही कैफे करके फूड कोर्ट है, देखते हैं यहाँ क्या मिलता है। चाय मिल जाएगी, दे दीजिए 4-5 चाय हैं? हाँ, तो यहाँ पे पहले टोकन का सिस्टम है, पहले टोकन लेंगे उसके बाद फिर हम यहाँ पे चाय लेंगे। ठंड बहुत ज्यादा लग रही है, बहुत ठंडा मौसम है। और दोस्तों, हमारी चाय आ चुकी है। सही लग रही है, इतनी कुछ खास नहीं है। ये राही कैफे जो है आगरा एक्सप्रेसवे पे पड़ता है और चाय जो है बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, एकदम मन एकदम खराब सा हो गया। तो आप लोग यहाँ कभी आए तो यहाँ पे चाय कभी मत पिए, कहीं आगे ढाबे में या ऐसे कोई छोटी सी दुकान में पी लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं और आपको दिखाते हैं, ये पीछे हमने गाड़ी, ये पार्किंग है तो वहां पे मैंने अपनी गाड़ी पार्क की है वहां पे। अब हम लोग जा रहे हैं बैटरी रिक्शा करके ताजमहल की तरफ। गाइस, अभी हम लोगों ने यहाँ पे टिकट ले लिया है और टिकट जो है आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ऐसी गाड़ी है, इस गाड़ी से जो हम लोग अभी जाएंगे अंदर ताजमहल के अंदर। लाइन लगी हुई है, देखिये बहुत सारी, पीछे भी लाइन लगी हुई है। तो हम लोग जो है जा रहे हैं ताजमहल देखने और ये देखिए इलेक्ट्रिक गाड़ी पे बैठे हुए हैं। और यहाँ पर अभी हम लोग जो अंदर नहीं जा रहे हैं क्योंकि अंदर जो है फूड अलाउ नहीं है और हम लोग खा पी कर फिर अंदर जाएंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं ये भैया के पास इस दुकान में कुछ खाने पीने के लिए। और हम लोग देखिए यहाँ पे अंदर पहुंच चुके हैं, अब जा रहे हैं ताजमहल की तरफ। ये आपको दिखाते हैं, ये यहाँ पे बहुत सारी फोटोज लगी हुई है, किला वगैरह सारी चीजें।
और हम लोग जा रहे हैं अब अंदर की तरफ, दिखाते हैं हम लोग ताजमहल की तरफ जाते हुए। ये देखिए यहाँ पे मेन, आई थिंक मेन गेट इधर से, हाँ मेन गेट सामने से ही है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे वहाँ पे। और वो देखिए वहाँ पे जो गुंबद दिख रहा है वो ताजमहल का गुंबद है, जूम करके दिखाता हूँ। अभी अंदर चल के दिखाते हैं वहाँ से, बहुत ही ज्यादा सुंदर है। कर रहे हैं यहाँ से और आपको अंदर का जो है व्यू अभी हम लोग दिखाते हैं। दोस्तों अभी हम अंदर जा रहे हैं और आपको वहाँ पे दिखाते हैं वहाँ से व्यू कैसा आता है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है और बहुत ही ज्यादा भीड़ है यहाँ पे। बहुत ही ज्यादा भीड़ है। तो गाइस हमारे पीछे आप देख पा रहे होंगे ताजमहल और आपको अंदर जाके दिखाते हैं अभी। ये है, अभी अंदर जाएंगे और आपको दिखाते हैं वहां से कैसा लगता है। गाइज अभी हम यहाँ पे अंदर आ चुके हैं मकबरे के अंदर और आपको अंदर का व्यू दिखाते हैं वहां पे कैसा लगता है। ये देखिए कितना सुंदर है यहाँ पे, देखिए। अब देखिए हम लोग यहाँ पे अंदर जा रहे हैं, आपको दिखाते हैं। ये एंट्रेंस है, ये एंट्रेंस है। ये यहाँ पे हम लोग आ गए हैं। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ पे लिखा है मुख्य मकबरे के अंदर फोटोग्राफी मना है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे फोटोग्राफी आप नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग बाहर से ही, ये देखिए बहुत ज़्यादा धूप आ रही है। चलिए अंदर चलते हैं और अंदर हम कैमरा यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो गाइज़ अभी हम बाहर आ चुके हैं और ये देखिए, क्योंकि अंदर कैमरा अलाउ नहीं था इस वजह से वहाँ की वीडियो नहीं बना पाए थे। और पीछे देख पा रहे होंगे कितना अच्छा व्यू आ रहा है और सामने का व्यू देखिए, ये मस्जिद का व्यू है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। गुंबद है ताज का व्यू है पूरा। और यहाँ पर जो है मतलब बहुत ठंडा ठंडा लग रहा है, लाइक नीचे तो बहुत गर्मी लग रही थी लेकिन यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। और अब हम लोग यहाँ से नीचे जा रहे हैं क्योंकि मम्मी पापा नीचे ही हैं और उन्हें दिक्कत हो रही थी आने में, इस वजह से उनको मैंने कहा कि आप लोग जो नीचे ही रहो और हम लोग आ रहे हैं देख कर। तो अभी हम लोग नीचे ही जा रहे हैं और ये रास्ता है वहाँ का नीचे उतरने का। अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं। दोस्तों अब हम लोग जो है घर जा रहे हैं क्योंकि काफ़ी दूर है यहाँ से, आगरा से रायबरेली अप्रॉक्स 400 किलोमीटर हमें जो है वहाँ से ट्रेवल करना है, इस वजह से हम लोग अब जो है
यहाँ से निकल रहे हैं और काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके, और बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पर हम लोग ई रिक्शा का वेट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी नहीं मिल पा रहा है ई रिक्शा। देखते हैं कब तक मिलता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हो। लोग आ ही जा रहे हैं, आ ही जा रहे हैं। फाइनली हमें रिक्शा मिल चुका है बहुत ही मशक्कत के बाद और यहाँ हम लोग बैठे हुए। तो गाइज हम लोग अब पहुँच चुके हैं और अपनी कार के पास जा रहे हैं, और यहाँ से अब रायबरेली के लिए हम लोग निकलेंगे। ये देखिए हमारी कार वहाँ पे खड़ी हुई है। गाड़ी हमारी वहाँ पार्क है, ये मम्मी बैठी हुई है। ये तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।